फाइनली हमारे मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। अब जैसे दोस्तों फिंगर सेंसर पे अपना फिंगर टच करेंगे तो हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाता है। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 12 5G मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाएगा। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल में भी जो है वो साइड में फिंगरप्रिंट है, लेकिन दोस्तों आपको मैं ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाओगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी लॉक स्क्रीन में पैटर्न पासवर्ड जो भी बनाया वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके मोबाइल का जो भी लॉक रहेगा वो सारा लॉक हट जाएगा, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी लॉक लगा नहीं होना चाहिए, आपका मोबाइल विदाउट लॉक का होना चाहिए, तभी आप अपने मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। अब दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन रहेगा, थीम्स एप्लीकेशन। तो थीम्स एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस तो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको लिख देना है कूल एक्स यू आई। लिख के जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कर दोगे तो दोस्तों आपके मोबाइल में सबसे फर्स्ट नंबर पे ये वाली थीम आ जाएगी। इस थीम को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड है, फ्री में आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों मैंने पहले से डाउनलोड किया तो इसलिए अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यह लाइनिंग है ब्लू हो जाएगा, यानी कि यह पूरी लाइनिंग हो जाएगी। जैसे दोस्तों यह लाइनिंग पूरी हो जाएगी तो सक्सेसफुली आपके मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। अब दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ से देख सकते हो हम यहाँ पर मोबाइल को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑन करते हैं। दोस्तों देख सकते हो फिंगर सेंसर दिखाई दे रहा है, और जैसे फिंगर सेंसर पे अपना फिंगर टच करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मोबाइल जो है अनलॉक हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप Redmi Note 12 5G मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।